फाइनली हमारा पैकेज डिलीवर हो चुका है, तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कौन से प्लांट आए हैं इसमें और कौन से प्लांट हैं और क्या होने वाला है इसके अंदर। तो गाइस फाइनली ये वाला बॉक्स हमें रिसीव हो गया है, हमारा जो पार्सल था इसमें होने वाले हमारे प्यारे प्यारे प्लांट्स। तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या है इस डब्बे में जो आया है बनी कार्ट से। बनी कार्ट से मैंने ऑर्डर करा है, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं प्लांट्स और मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी पहले हम करते हैं अनबॉक्स और इसका मैं प्राइस आपको बताने वाला हूँ ये मेरे को कितने का है पड़ा। तो जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स, उसके बाद देखते हैं इसका प्राइस और ये हमें कितने का पड़ा और इसके अंदर मेन क्या क्या आया है, उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये वर्थ इट है कि नहीं है वो चेक करना है हमें आज। तो देखते हैं प्लांट्स की क्या क्वालिटी आई है और कौन से प्लांट्स आए हैं और मैं इन्हें प्लांटेड टैंक में अपने सेटअप करने वाला हूं जो मैंने बना रखा है, उसका भी ब्लॉग चैनल पे आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से कर देना लाइक। तो फाइनली गाइस बॉक्स हो चुका है हमारा ओपन और पहले मिलती है हमें कुछ पुस्तिकाएं जो है बनी कार्ड की तरफ से, इसमें मेरा एड्रेस है किसी को नहीं दिखाना। और ये मिला है हमारा मेन कोर्स जिसमें है, ये देखिए पैकेजिंग के अंदर एक ये भी था टॉम टॉम। तो टॉम टॉम को रखते हैं साइड में, हम खोलते हैं पॉम पॉम को। तो हमें ये कैसी कंडीशन में मिलते हैं वो हमें मिलेगा जवाब इसे ओपन करने के बाद। तो फाइनली ओपन हो चुका है और हम देखते हैं इसमें कितने प्लांट्स आए हैं और कैसी कंडीशन में आए हैं। और ये हमने करा है ओपन, इसमें हैं एक दो तीन चार और ये पांच। तो पांच ही हमने ऑर्डर करे थे जिसमें वो लिखा हुआ था, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई थी। तो ये कौन कौन से प्लांट है ये हम दिखा देते हैं। देखिए हाइड्रोफिलिया जो भी नाम है इसका, तो प्लांट्स के नाम बड़े डेंजर होते हैं। तो ये है कुछ और ये है कुछ, ये नाम दिख रहे हो। तो और ये क्या है इसका तो नाम ही नहीं पता, ये बेनाम पौधा है इसका कोई नाम पता नहीं है, पर इसका नाम करण हम करेंगे तो अभी बाद में खोलेंगे इसे। और ये पता नहीं क्या है, तो अभी इसको जल्दी से वाटर में रख देते क्योंकि इनकी हालत बहुत खस्ता हो जाती है आते आते, खस्ता इन सेंस मतलब काफ़ी रफ हो जाते हैं आते आते। तो जल्दी से वाटर का इंतज़ाम करते हैं और इनको डिप करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इनको पूरा ओपन करके आपको कि एक्चुअल में क्या हुआ। और ये गंदगी समेटते नहीं तो मम्मी ही मारेगी हमको, तो जल्दी से पैक करके इसे फेंक देते हैं और इसको फेंक देते हैं और इसको भी। ठीक है लाइक कर दो वीडियो को। तो गाइस पहला जो प्लांट होने वाला है वो हम इसको करने वाले हैं हाइग्रोफिला को, तो इसको करेंगे अनबॉक्स और जल्दी से पानी में डिप करते हैं और कंडीशन देखते हैं इसकी एक्चुअल में कैसी है। और ये हमने कर लिया है ओपन। तो ये चैनल की पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो ऐसी ही अच्छी अच्छी अनबॉक्सिंग आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ये देखिए पूरा गीला है ये और ये पूरा इन्होंने पॉट दिया है, पॉट 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 पॉट। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि ये जो है जड़ के साथ आते हैं, इनमें रूट्स होती हैं, तो आप डायरेक्टली इसको अपने प्लांटेड एक्वेरियम में सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है आपके लिए और प्लांट्स के लिए, क्यों मरते नहीं हैं। ये देखिए थोड़ी सी कंडीशन रफ है पर ठीक है कोई बात नहीं। देखिए रूट्स आपको दिख रहे होंगे, रूट्स है इसमें काफ़ी अच्छे रूट्स
और ये हम करने वाले हैं पानी में डिप अभी, क्योंकि ये अभी बहुत ही नाजुक हालत में है। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। ये शायद मुझे लगता है ये रेड वाला है। तो कुछ लीव्स जो है इसकी टूट चुकी है, तो डिलीवरी में काफ़ी दिन लगे हैं, मतलब काफ़ी कहेंगे तो मुझे कम से कम ये पार्सल चार दिन में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो देखिए पत्तों की हालत काफ़ी खस्ता हो रखी है। एक कंकड़ ये तो निकल ही गया पूरा। इसमें भी रूट्स है थोड़ी बहुत, तो पत्ते जो हैं काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं इसके। कोई नहीं, वो तो ग्रो हो जाएंगे वैसे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वालिटी हमें क्या मिलती है, कितने प्लांट्स डैमेज होते हैं और कितने हमारे पास सही सलामत पहुंचते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे पास तो अधिकतर जो हैं काफ़ी अच्छी ही क्वालिटी में आए हैं, ऐसा कोई पूरा डैमेज भी नहीं है। थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही, क्योंकि यार ट्रैवल करके आ रहे हैं, इतने टाइम हो गया आते हुए, तो आते हुए इनको थोड़ा तो मतलब दिक्कत होती है। देखिए ये कितना ही प्यारा लग रहा है। इसको हम लगाने वाले हैं बहुत ही अच्छी जगह पे, तो इसका मुझे आइडिया आया है। देखिए इसके भी थोड़े बहुत पत्ते येलो पड़ गए हैं, टूट गए हैं, तो कोई बात नहीं, बाकी हम इसको अभी डिप करके रखते हैं वाटर में, जिससे कि इनमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और सनलाइट हम इन्हें थोड़ी सी प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे कि ये अपना साइकिल चलाते रहे। और ये है एक काफ़ी अच्छा प्लांट जो कि रूट के साथ आता है। तो सारे प्लांट ही आपको रूट के साथ मिलेंगे, तो जो ये रूट वाली कहानी है ना, ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपका प्लांट बहुत ही जल्दी जड़े पकड़ता है। ठीक है, तो नया जो प्लांट होता है वो बहुत जल्दी ग्रो होता है जब उसके रूट्स होते हैं। तो ये वाला प्लांट जो है अब तक का सबसे बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये ना तो डैमेज हुआ है और ना ही ये कहीं से टूटा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और हमारा लास्ट में अनूबियस लाला गोल्ड, नाना गोल्ड, तो ऐसे ऐसे तो नाम होते हैं इनके काफ़ी अजीब गरीब, बट ये अनूबियस नहीं है, ये कुछ और है, ये है सेगिटेरिया शायद, ऐसी है कुछ शायद, पता नहीं एक नाम इसका मैं समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या नाम है भाई इसका, तो आपको पता हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि यार मेरे को प्लांट्स के बारे में इतना ज्ञान है नहीं, तो मैं ज्ञान पेल भी नहीं रहा हूँ। तो देखिए इसकी काफ़ी सारी लीव्स डैमेज हुई है, ये देखिए, बट हमें इसका टेक केयर करना पड़ेगा अच्छे से और जल्दी से जल्दी इन्हें ग्रो करना पड़ेगा। और जो रिव्यू है वो मैं आपको लास्ट में दूंगा, कैसा ये प्लांट लगेगा, कहाँ पे कैसे ये ग्रो होगा, तो ये सब चीज़ें आप मेरे प्लांटेड टैंक एक्वेरियम वाले व्लॉग में देख सकते हैं, जो कि ठीक इसके बाद अपलोड होगा। जो ये वाला व्लॉग है इसके ठीक बाद वो वाला प्लांटेड टैंक का जो भी अपडेट है और जो भी सेटअप है उसका व्लॉग अपलोड होगा। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो पूरा सेटअप है और इनका जो ग्रोथ है वो उसी में ही आपको देखने को मिलेगा कि कैसा ये ग्रोथ कर रहे हैं और कैसा ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट मेरे पास भी हैं, वो भी मैं पुट करने वाला हूँ अपने एक्वेरियम में, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मस्त मस्त व्लॉग आने वाले हैं चैनल पे। तो
अब हम इनको वाटर में डिप करके रखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इनको एनर्जी सोर्स मिल जाए और थोड़ा सा इनको इनका सनलाइट मिल जाए, जिससे ये थोड़ा सा कंडीशन नॉर्मल फील करे और इनको स्ट्रेस ना हो। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। ये है कुछ वो टैंक जिसमें मैं लगाने वाला हूँ अपने प्लांट्स। तो ये है कुछ सेटअप, इसके ऊपर भी हमने जो है प्लांट के लिए इसमें सॉइल डाली है। तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसका भी व्लॉग आने वाला है। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और मेरा जो रेफर लिंक है और जिस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने कहाँ से ये प्रोडक्ट मंगाया है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से चेकआउट कर लो।